नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अविश्वास प्रस्ताव करने वाले पंचों को ग्रामीणों की सूझबूझ ने चटाया धूल। सरपंच को षड्यंत्र पूर्वक हटाने की थी बड़ी साजिश। ग्रामीणों के वरिष्ठ नागरिकों ने षड्यंत्र को किया नाकाम। अविश्वास प्रस्ताव करने वाले पंचों के हौसले थे बुलंद। जिन पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था उनको 11 वोट मिले। सरपंच राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी को 9 वोट मिले। पंचों का आतंक समाप्त, राजनीति करने वालों का हुआ पर्दाफाश। राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सभी ग्रामीणों का किया आभार। उन सभी पंचों को भी किया धन्यवाद जिन्होंने समर्थन दिया राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी को। ग्रामीणों की सूझबूझ ने मुंह के बल गिराया अविश्वास प्रस्ताव करने वाले पंचों को। अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में पामगढ़ तहसीलदार जयश्री पथे, निर्वाचन अधिकारी, जनपद पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष मतदान संपन्न हुआ, जिसमें राजेंद्र कुमार को 9 वोट मिले। सरपंच का निखिल कश्यप की रिपोर्ट। के कुछ पंचों ने मिलकर सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था और आज वो अविश्वास प्रस्ताव बड़ी मतों के अंतर से ध्वस्त हो गया है। आवाज सरपंच अपने कुर्सी पर बरकरार है। इसके लिए मैं उन पंचों के साथ साथ जिन्होंने अविश्वास मत के खिलाफ वोट किया है और साथ ही उन ग्रामवासियों का जिन्होंने एक प्रकार से नैतिक सपोर्ट सरपंच को दिया है, जिसके कारण उनके मनोबल बढ़ा और आज उन्हें सफलता मिली है। और हम आशा रखते हैं हमारे सरपंच जो हमारा एक बेटा के समान है, क्योंकि मैं यहाँ पर लगातार जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं उनके संरक्षक हूँ। पहले 2 बार मैं रहा, आज मेरी बहू है, तो एक संरक्षक का दायित्व तो होता है कि अपने नीचे के जो जनप्रतिनिधि है उसकी सुरक्षा। ग्राम पंचायत लगरा के पंचगणों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसमें SDM साहब के द्वारा मेरे को आज वहाँ पीठासीन अधिकारी बनाकर भेजा गया था। मतदान कराया गया, कुल 20 लोगों की पंचायत है, 20 सदस्यों की वो पंचायत है, जिसमें 16 लोग उपस्थित हुए थे। 16 लोगों के द्वारा मतदान किया गया, कुल 11 मत उस प्रस्ताव के समर्थन में पड़े थे, 2 मत प्रस्ताव के विरोध में पड़े और 3 मत खारिज हो गए थे। तो हमारे पंचायत राज अधिनियम के अनुसार वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।